आप सभी, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन देयर। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर विच वी वर कंटिन्यूइंग इन प्रीवियस वीडियोस। सो चिल्ड्रन, वी हैव कवर हाफ पोर्शन और मोस्ट ऑफ द हाफ पोर्शन ऑफ द सेम चैप्टर इन प्रीवियस वीडियोस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टॉर्न पॉकेट। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द बॉय हुज नेम वॉज तरुण। तरुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे किस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था, वो किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है, तो उसमें वो उसको फाइंड आउट कर देता था, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्धि मिली हुई थी। मींस वो फेमस हो चुका था अपने मोहल्ले में, अपने नेबरिंग में, अपने स्कूल में, है ना, सारी क्लासेस में। और क्योंकि उसने क्या किया था, उसके क्लासमेट का कुछ सामान खोया हुआ था जिसको उसने फाइंड आउट किया हुआ था। नेक्स्ट उसका जो फ्रेंड आता है वो उसके पास बैठता है और उसको बोलता है कि मेरा, हाँ, तो उसके फ्रेंड का जो नाम होता है रमन, तो तरुण उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कोई आपको प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए। तो रमन ने बोला कि आप क्या फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उसने बोला कि मैं फ़ीस कोई चार्ज नहीं करता हूँ, अगर मैं आपकी हेल्प करने में सक्सेसफुल रहता हूँ तो आप मुझे कोई भी गिफ्ट या प्रेजेंट दे सकते हैं। ओके, तो वो बताते हैं कि जो सिल्वर कॉइन था मुझे मेरे अंकल ने मेरे बर्थडे पे दिया था, वो मुझसे कहीं पे मिस हो गया है। द डे बिफोर आई टोक इट टू द प्लेग्राउंड आई शोड इट टू माई फ्रेंड्स। मैंने जिस दिन मेरा ये सिक्का खोया हुआ है उससे एक दिन पहले मैं उसको स्कूल लेकर गया था और मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया था। बट यू नो रानू इज़ अ नॉटी बॉय, ही पुट इट इन हिज कोट पॉकेट एंड सेड ही वुड सी इट लेटर। लेकिन रानू ने क्या किया, वो नॉटी बॉय शरारती था, उसने अपने पॉकेट में वो कॉइन रख लिया और बोला कि मैं इसको बाद में देखूंगा। इंटरेस्टिंग, डिड यू सी हिम पुटिंग द कॉइन इन हिज कोट पॉकेट। क्या तुमने खुद ही देखा था कि जो रानू था उसने तुम्हारे सामने ही वो कॉइन अपनी पॉकेट में रखा था? तो उसने बोला यस, मैंने देखा था, मेरे साथ जो फ्रेंड्स भी थे उन्होंने भी देखा था कि उसने अपने पॉकेट में कॉइन को रखते वक्त बोला था कि मैं बाद में इसको देखूंगा। देन वी प्लेड फॉर सम टाइम, फिर हम लोग बहुत देर तक खेलते रहे। व्हेन वी वर अबाउट टू रिटर्न होम, जब हम घर वापस आने वाले थे तो मैंने अपना कॉइन रानू से मांगा। बट ही कुडंट फाइंड इट इन द पॉकेट, लेकिन जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कॉइन नहीं था। वी थॉट दैट ही माइट हैव ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड, तो हमको लगा कि ग्राउंड में कहीं उसने गिरा दिया है खेलते वक्त। वी सर्च एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड वेयर ही वी हैड प्लेड एंड इवन दोज एरियाज वेयर वी हैड नॉट, बट ऑल ऑफ नो अवेल। लेकिन हमने हर छोटी से छोटी जगह जाकर पूरे ग्राउंड को सर्च किया जहां पर हम खेल रहे थे, और जहां हम गए भी नहीं थे वहां पर भी हमने ढूंढा, लेकिन हमको वो कॉइन नहीं मिला। सैड रमन विद टीयरफुल आइज, और जो रमन था वो रोते हुए बोला कि मेरा कॉइन खो गया है। ओके, हु डू यू डाउट अबाउट इट, तो तरुण ने पूछा कि आपको किसके ऊपर शक है। रानू ऑफ कोर्स, व्हाट डिड यू डू देन, तो उसने बताया कि ऑफ कोर्स रानू पे है, क्योंकि उसने पॉकेट में डाला था और फिर वो कॉइन नहीं मिला। तो आई सर्च्ड हिज कोट पॉकेट, मैंने उसके कोट की सारी पॉकेट भी चेक की लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। आई सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट द कॉइन वॉज नॉट देयर। आई ऑल्सो सर्च द प्लेमेट्स बट विदाउट एनी रिजल्ट, रमन सैड विद डिफ़िकल्टी। लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला, सारे फ्रेंड्स जितने भी मेरे साथ खेल रहे थे मैंने सबके पॉकेट्स को सर्च किया लेकिन कॉइन वहाँ पर नहीं मिला, कॉइन जो है वो कहीं पर लॉस्ट था। ओके, नो इट कुड नॉट बी, आई वेंट विद हिम टू हिज रूम वेयर ही चेंज्ड ओवर बिफोर मी। आई एम श्योर द कॉइन वॉज नॉट ऑन हिज पॉकेट, इम्फेसाइज रमन। इज रानू द सेम बॉय हु लिव्स जस्ट अपोजिट योर हाउस, तो उसने बोला क्या रानू वही लड़का है जो तुम्हारे घर के सामने रहता है? तो रमन ने बताया हाँ वही।
ही अपीयर्स टू बी विली एंड कनिंग. लेट मी थिंक ओवर इट. इफ आई नीड योर हेल्प आई विल कॉल ऑन यू, सेड तरुण डिसमिसिंग हिम. तरुण ने बोला कि मैं उससे बात करूंगा और जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा. आफ्टर रमन लेफ्ट तरुण प्लंग्ड इन डीप थॉट्स. जैसे ही रमन गया तो तरुण बहुत विचार में पड़ गया. हु कुड बी द थीफ. कौन चोरी कर सकता है. डिड रमन एवर गिव द कॉइन टू रानू. क्या रमन ने रानू को कॉइन दिया भी है या नहीं. डिड रानू रियली पुट इट इन टू हिज कोट पॉकेट और टॉस्ड इट आउट ऑफ द ग्राउंड टू टेक इट लेटर. क्या रानू ने उसको पॉकेट में रखा है या फिर कहीं पर भी ऐसे फेंक दिया, उछाल दिया कि खेलने के बाद मैं देख लूँगा. वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में था. आई मस्ट इंटेरोगेट रानू, डिसाइडेड तरुण एंड स्टूड अप. तो उसने कहा मुझे सवाल करने होंगे रानू से. अ फ्यू मिनट लेटर ही वॉज प्रेसिंग द बेल एट रानूज डोर. और थोड़ी ही देर बाद वह रानू के घर पहुँचा. कौन पहुंचा? तरुण. के हिज मदर आंसर्ड द कॉल. ही आस्क्ड आंटी इज रानू देयर. तो जब उसकी माँ ने अंदर से पूछा कौन है तो तरुण ने बोला कि आंटी जी क्या रानू घर में है. ही इज देयर बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी हिम. तो उसकी माँ ने कहा कि वो यहीं पर है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते. ही इज़ बिजी विद हिज होमवर्क एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू डिस्टर्ब हिम. वह अपना होमवर्क कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि आप उसको डिस्टर्ब करें. नो प्रॉब्लम आई विल सी हिम लेटर. तो उसने बोला तरुण ने मैं बाद में मिल लूँगा. थैंक यू आंटी, सेड तरुण एंड वॉक्ड अवे. तरुण देन मेड टू रमन्स हाउस. फिर तरुण कहाँ पर पहुँचा? रमन के घर. रमन कैन यू हेल्प मी लेट इन रानूज रूम. क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो कि मैं रानू से जाकर मिल सकूं? आई वॉन्ट टू सर्च इट ही सेड. दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो उसने कहा कि ये बहुत कठिन काम है. हिज मदर लेट्स नो फ्रेंड्स ऑफ हिज इन टू द हाउस. उसकी माँ ने कहा है कि अभी वह पढ़ रहा है, अभी कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ओ एक्सक्लेम्ड तरुण. ही थॉट फॉर अ वे आउट. ही सेड फाइन आई विल प्ले अ ट्रिक. मैं एक ट्रिक से उसको बाहर बुला सकता हूँ. टुमारो इवनिंग अरेंज फॉर अ पीस ऑफ केक. आई विल फाइंड एंट्री इन टू हिज हाउस. माइंड इट यू हैव टू गो विद मी एंड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड. कल शाम को हम उसके घर चलेंगे एक केक लेकर. आई विल डू इट मोस्ट डिलाइटफुली. आफ्टर ऑल यू आर टेकिंग दिस ट्रबल फॉर माई सेक, सेड रमन. रमन ने कहा कि ये सारा तुम मेरे लिए ही कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा. नेक्स्ट डे इन द इवनिंग तरुण एंड रमन वंस अगेन कॉल्ड ऑन रानूज हाउस. अगले दिन तरुण और रमन कहाँ पर पहुँचते हैं? फिर से उसी के घर पहुँचते हैं, रानू के घर, और बेल बजाते हैं. दे हेल्ड अ नाइसली पैक्ड बॉक्स विथ टू स्लाइसेस ऑफ पेस्ट्रीज इन इट. उनके पास एक बॉक्स होता है, अच्छे से पैक्ड रहता है, जिसमें अंदर क्या होता है? पेस्ट्रीज क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ केक. ओके. इट वॉज हिज मदर अगेन. उसकी माँ फिर से आई और उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो वी हैव अ सरप्राइज फॉर रानू. और उन्होंने उस बॉक्स को दिखाते हुए कहा कि हमारे पास रानू को सरप्राइज देने के लिए कुछ है. बट ही इज़ बिजी टाइडिंग हिज रूम, रिस्टोर्ड हिज मदर. उसकी माँ ने कहा कि वह अपने कमरे में ही है, बिजी है. नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प हिम इन हिज वेंचर टू. तो उन्होंने कहा तरुण ने कि हम लोग उसको हेल्प कर देंगे. सीइंग देम विद डाउटफुल आइज शी लेट देम इन. और उस उनकी जो माँ थी उन्होंने उन दोनों तरुण और रमन को अंदर जाने के लिए कह दिया. रानूज मदर हैड नॉट टोल्ड अ लाई ईदर. हिज रूम रियली ले इन बैड शेप. हिज डिमेनर शोड दैट ही फाउंड इट हार्डली इंटरेस्टिंग. सीइंग रमन हिज आईज डिमेनर रेडिएटेड ब्राइटली एज ही कुड होप टू गो आउट ऑफ द हाउस. बट हाउ कुड तरुण लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ हिज हैंड्स. ही सेड वेल रानू, वाइल यू रिलिश दिस डेंटी पेस्ट्री वी ऑल अरेंज योर रूम. तुम ये पेस्ट्रीज खाओ और हम दोनों जो हैं, कौन कौन, तरुण और रमन, हम दोनों तुम्हारा रूम
अरेंज कर देंगे, मेंटेन कर देंगे, दैट्स नाइस थिंग, एट लीस्ट आई कैन बी सेव फ्रॉम दिस बोरिंग जॉब। रानू ने कहा कि वेरी गुड, ये अच्छी बात है, तब तक मैं पेस्ट्री खाऊंगा और इस बोरिंग काम से बच भी जाऊंगा। टुक द बॉक्स एंड सेट डाउन ऑन द बेड, उसने बॉक्स लिया पेस्ट्रीज का और बेड पर बैठकर, हाउ इजली ही एक्सीडेड टू अवर सजेशन, ही कुड नॉट बी अ थीफ, यह हमारी बात इतने अच्छे से मान रहा है, सलाह हमारी मान रहा है, ये चोर नहीं हो सकता। बट स्टिल ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम अरेंज थिंग्स, दिस वे ही हेल्प्ड हिज ओन कॉज, ही सर्च द टेबल ड्रॉवर्स एंड बिहाइंड द बुक्स, और वह उसका कमरा लगाते लगाते सारा कुछ सर्च भी कर रहा था। ही सर्च्ड ऑन द स्टडी टेबल एंड अंडर द बेड, उन्होंने उसको किसको कॉइन को सर्च करना कंटिन्यू किया। देन ही ओपन्ड द कबर्ड, और फिर उन्होंने कबर्ड को खोला, देयर वर थ्री कोट्स, ही टच द फर्स्ट कोट एंड लुकड एट रमन मीनिंगफुली इफ इट वॉज द सेम ही वोर दैट डे। और जैसे ही उसने कबर्ड को खोला और रमन से पूछा, क्योंकि वहाँ पर तीन कोट थे, तो उसने पूछा कि क्या ये वही कोट है जो उसने पहना हुआ था, रमन नॉडेड, रमन ने इशारे में अपने सिर को हिलाया कि नहीं, इट मीन द सेकेंड कोट, ही सर्च्ड ऑल इट्स पॉकेट्स, नो द कॉइन वॉज नॉट देयर, ही वॉन्टेड टू बी डबली श्योर, सो ही सर्च्ड इट वंस अगेन, उसने दोबारा से दोनों कोट्स को सर्च किया लेकिन कॉइन अभी भी नहीं मिला। एंड एज ही पुट हिज हैंड इन टू द लेफ्ट पॉकेट, हिज थंब स्टक अ होल, और जैसे उन्होंने, तरुण ने लेफ्ट पॉकेट में उसके हाथ डाला तो वहाँ पे क्या था, पॉकेट में एक होल था। आह, एन आइडिया फ्लैश्ड हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, नाउ हिज हैंड्स मूव्ड अलोंग द बटन ऑफ द कोट अलोंग द लाइनिंग एंड यस ही फाउंड द कॉइन। और वो जो पॉकेट थी, आपने भी देखा होगा, पॉकेट जो होती हैं कोट्स वगैरह में वो अलग से लगी रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी एक लेयर होती है कपड़े की जो कि आपके कोट के अंदर साइड को कवर करती है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो होल था वहाँ से उसके थंब या फिंगर जा सकती थी, और उसके अंदर जब वो हाथ डालता गया तो वहाँ पर उसको कॉइन मिल गया। सो द कॉइन ही स्लोली मूव्ड इट आउट एंड टुक आउट द कॉइन थ्रू द होल, और उसने उस होल से धीरे धीरे करके उस कॉइन को निकाला। ही स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, ही सिग्नल्ड रमन टू गेट अप एंड सेड टू रानू, हाउ डू यू लाइक द पेस्ट्री, और उसने रमन को बोला कि खड़े हो जाओ, और फिर तरुण से कहा चलो इससे बात करते हैं। तो तरुण ने बोला कि रानू पेस्ट्री कैसी लगी, तो उसने बोला बहुत अच्छी, थैंक यू, हेयर वी गो सेट तरुण, बट यू प्रोमिस टू टाइडी द रूम, तो तरुण ने बोला कि अब हमें जाना चाहिए। तो फिर वो जो रानू था वो बोला कि आपने तो कहा था कि आप मेरा रूम मेंटेन करके जाएंगे। रानूज मदर सेड एंटरिंग द रूम, आई एम येट टू फिनिश माई होमवर्क सेट तरुण, वील हेल्प हिम लेटर, तो तरुण ने बोला कि हमें अपना होमवर्क भी फिनिश करना है, कभी फिर कभी आपकी हेल्प करेंगे, आई नो नो चाइल्ड लाइक क्लीनिंग, तो उसकी माँ ने बोला मुझे पता है कोई भी बच्चे को काम करना पसंद नहीं है, सफाई करना पसंद नहीं है, ऑफ़ यू गो एंड इट शुड बी द लास्ट ऑफ इट, सेड रानूस मदर, थैंक यू आंटी, सेड तरुण एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। रमन्स फेस ह्यूज डाउन इन डिसअपॉइंटमेंट, दे वॉक्ड टुगेदर फॉर अ फ्यू स्टेप्स एंड देन तरुण हैंडेड हिम द कॉइन। अभी तरुण को पता नहीं था कि उसका जो अभी रमन को पता नहीं था कि उसका कॉइन मिल चुका है, लेकिन थोड़ी घर से बाहर निकलने के बाद तरुण ने क्या किया, रमन को उसका कॉइन हैंड ओवर कर दिया। वेयर डिड यू गेट इट, ये तुम्हें कहाँ से मिला, रमन ने एक्साइटमेंट में पूछा इन रानूज कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि रानू के कोर्ट में, देन वाई डिडंट यू डिस्क्लोज इट देयर, तो तुमने वहाँ पे क्यों नहीं बताया, ही इज़ अ थीफ, वह एक चोर है, रमन ऑलमोस्ट शाउटेड, नो ही इज़ नॉट अ थीफ,
वह चोर नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम यू सी हिम एडवाइज हिम टू रिपेयर द होल्स इन द पॉकेट। लेकिन अगली बार जब भी तुम उसको मिलो तो उसको बोलना कोर्ट में उसके जो पॉकेट है उसको वो क्या करे, रिपेयर कराए। बाय, सेड तरुण एज ही वॉक टू हिज हाउस, और वो अपने घर चला गया। लीविंग रमन डम फाउंडेड विद सेवरल क्वेश्चंस लिंगरिंग हिज माइंड, इवन टुडे व्हेन वी थिंक्स ऑफ द कॉइन ही फाइंड्स इट मिस्टीरियस व्हाई तरुण डिड नॉट ब्लेम रानू दो ही फाउंड इट इन हिज कोट। और रमन के मन में अभी भी ये सवाल है कि तरुण ने वहाँ पर रानू को क्यों नहीं बोला कि तुम चोर हो, तुम्हारी पॉकेट में ये कॉइन कहाँ से आया, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके पॉकेट में कोई होल है और इससे ये कॉइन कहाँ जा सकता है, इसलिए उसको डिस्क्लोज़ करना सही नहीं रहता है ना उस टाइम, इसीलिए उसने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया और उसका कॉइन भी, किसका कॉइन, रमन का कॉइन रमन को मिल गया। और रानू भी अपनी जगह सही था बिकॉज़ उसको खुद नहीं मालूम था कि ये कॉइन मेरी पॉकेट में ही है। सो स्टूडेंट्स, हेयर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, कम्प्लीट एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर इन योर बुक, इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज टेक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।